हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स के सिमरन में बहुत 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 स्वागत है और मैं हूँ आपके अपनी हो सिमरन। तो आज हम जानेंगे अनोमली स्कैन, मतलब को किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड अगर आप प्रेगनेंसी में करवाते हो तो उसको देखने के बाद आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपको लड़का होगा या लड़की। वैसे तो देखो ये इंडिकेटर्स होते हैं, कभी कभार ठीक नहीं भी होते, बट बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा केसेस में ठीक रहते हैं। मेरे भी केसेस में ठीक रहा, तो मैं आज आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इनफर्टिलिटी, पीरियड, प्रेगनेंसी बहुत से ऐसे रेलिवेंस टॉपिक मिलेंगे जो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि स्कैन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड करवाना प्रेगनेंसी में उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बेबी की ग्रोथ पता लगाने का तरीका है तो वो एक ही अल्ट्रासाउंड ही है। इसके थ्रू आप अल्ट्रासाउंड की मदद से जेंडर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, पता लगवा सकते हैं, बट इंडिया में ये चीज़ इनलीगल है। तो इसमें हम खुद की मदद से लाइक खुद अल्ट्रासाउंड पढ़ के कैसे पता लगाएंगे वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो है बच्चे की FHR। बहुत सारी जगह कहा गया है कि FHR 140 से ज़्यादा होगी तो लड़की होगी, 140 से कम होगी तो लड़की होगी, बट FHR जो होती है, आपका अगर बच्चा FHR अल्ट्रासाउंड में एक्टिव होगा, वो जाग रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, तो डेफिनेटली उसकी FHR 140 से ज़्यादा ही आएगी। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि 140 से ज़्यादा होने पर आपके लड़की ही हो, क्योंकि 140 से कम बहुत कम चांसेस होते हैं। वो आपकी तब नज़र आएगी जब आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड होगा, जब बच्चे को कम स्पेस मिलेगी, वो कम एक्टिविटी करेगा, या आपका बच्चा किसी भी अल्ट्रासाउंड में सो रहा होगा, तब आपके बच्चे की जो FHR है वो कम आ सकती है, अदरवाइज उसकी FHR 140 से ज़्यादा ही आएगी। मेरी जो थी वो 152-170 के बीच में लाई करती थी, मेरे बेबी गर्ल है। अगला जो बात करने जा रही हूँ वो है हमारी प्लेजेंटा की पोजीशन। कहा जाता है एंटीरियर हो तो लड़की होती है, प्रोस्टीरियर हो तो लड़का होता है। मैंने भी बहुत सारी अपने प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसी वीडियोस देखी थी, बट कहीं ना कहीं इस पे सच्चाई नहीं हो पा रही थी। बट नहीं, मेरे एंटीरियर था और मेरे बेबी गर्ल है। अगर आपके प्रोस्टीरियर है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें हैं जिसको जो है बॉय होता है। मेरे रिलेटिव में भी बहुत सारे सीन मैंने ऐसे देखे। तो एक प्लेजेंटा पोजीशन से भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, लगा सकते हो कि आपके प्रोस्टीरियर में बेबी बॉय होगा और एंटीरियर में बेबी गर्ल होगा। अगला है आपका जो अल्ट्रासाउंड है उसमें अगर आपका बच्चा आपको लेफ्ट साइड दिखे, मतलब उसका जो हेड है वो आपको लेफ्ट साइड दिखे तो आपको बॉय होता है, और अगर वो आपको राइट साइड दिखे तो आपको गर्ल होती है। तो इसमें मेरे से अपोजिट था, मेरा जो था वो राइट साइड था बट मेरे गर्ल हुई है। तो इससे भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट सिम्टम की बात करी है, इंडिकेटर्स की बात करी है, तो डेफिनेटली ये वाला मेरे लिए गलत था, बाकी दो मेरे लिए ठीक थे। तो ये सब चीज़ें भी आप अल्ट्रासाउंड में देखकर एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपके घर लड़का आने वाला है या लड़की। तो यही अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।